अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो का टॉपिक है क्रिएट सैंपल लाइन फ्रॉम प्री डिफाइंड स्टेशन लिस्ट। इसमें हमारे पास दो तरह का डाटा होगा, एक में सिर्फ हमारे पास स्टेशन वैल्यू होगी और दूसरे में हमारे पास जो है ऑप्शन बी है, इसमें फिक्स और वेरिएबल विड्थ जो है सैंपल लाइन की वो हमारे पास होगी। स्टेशन तो होगा ही होगा और साथ में लेफ्ट और राइट ऑफसेट की वैल्यू होगी। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। यहां पे हमारे पास अलाइनमेंट है ड्राइंग में। अभी सबसे पहले हमने इसमें सैंपल एंड सिंपल हमने क्रिएट करने हैं प्री डिफाइंड लिस्ट से। तो प्री डिफाइंड लिस्ट में मेरे पास ये लिस्ट है, यहां पे ये सुपर एलिवेशन के स्टेशन है। ये लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि इनको हमने कैसे सॉर्ट करना है, स्टेशन के साथ कैसे मिक्स करना है। अभी ये मेरे पास स्टेशन है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अलाइनमेंट के फुल विड्थ के साथ, फुल लेंथ के हिसाब से ये स्टेशन है। तो इन स्टेशन को थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं आपको लोगों को दिखा सकूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनको ये सीरियल नंबर दिया है, इसी सीरियल नंबर को भी मैंने कॉपी किया है, ओके। और यहाँ पे मैंने इसको एज इट इज पेस्ट कर दिया है और फिर एज इट इज यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। पेस्ट क्यों किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। हमें हर स्टेशन के बाद दो एम्प्टी रो चाहिए, ओके। अभी इसको मैं सॉर्ट करता हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्टेशन में हर स्टेशन के बाद दो एम्प्टी रो आ गई है। ये डाटा अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको अभी हमने सिलेक्ट करना है शिफ्ट कंट्रोल एंड की, ओके। यहाँ पे ये आ गया है, अभी शिफ्ट की प्रेस करें और यहाँ पे ये जो है आप इसको कॉपी कर लें, कॉपी। यहाँ पे आप नोटपैड ओपन करें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। ये यहाँ पे डाटा पेस्ट हो गया है, ओके। अभी इन वैल्यू को आप पूरा सिलेक्ट कर लें जीरो वैल्यू तक, ओके। ये जीरो की वैल्यू भी हमारी इसमें सिलेक्ट हो गई। यहाँ पे आप राइट क्लिक करें या कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लें। यहाँ पे सिविल 3D में आना है, सैंपल लाइन अलाइनमेंट सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे सैंपल लाइन हमारी जो है वो क्रिएट हो गई है। तो ये फर्स्ट मेथड था, इसमें हमारे पास जो फिक्स विड्थ है उसके हिसाब से इसमें आ गई है, ठीक है। अभी हम इसको दोबारा चेक करते हैं कि जब हमने इसमें चेक की होगी साथ में विड्थ भी दी होगी तो ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो मैं इसको एक दफा अंडू कर देता हूं। जो सैंपल लाइन हमने क्रिएट की थी वो मैंने डिलीट कर दी है। अभी हम दूसरी ऑप्शन ट्राई करेंगे। दूसरी ऑप्शन के लिए हमारे पास जो डाटा है, पहले हमारे पास ये डाटा था सिर्फ स्टेशन का, हमने इसको नोटपैड में ले जाके चेक कर लिया। अभी हमारे पास फिक्स विड्थ है, ओके। यहाँ पे स्टेशन है और फिक्स विड्थ है, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की कॉपी, ओके। और यहाँ पे सिविल 3D में आना है, यहाँ पे आपने सैंपल लाइन लेनी है ऑप्शन, और यहाँ पे राइट क्लिक करके ओके करना है और यहाँ पे अभी आपने इसको पेस्ट करना है। तो आप लोग देख सकते हैं फिक्स विड्थ की जो हमारी सैंपल लाइन है वो क्रिएट हो गई है। सेम प्रोसीजर है, इसको मैं फिर अंडू करता हूँ। जब तक ये अंडू होता है हम इधर आ जाते हैं इसमें, ओके। अभी यहाँ पे वेरिएबल विड्थ है, ओके। वेरिएबल विड्थ कहाँ पे है, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा वेरिएबल रखा है, आप लोग देखेंगे अभी जब ये हम करेंगे। तो इनको मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ पे सिविल 3D में आ गए हम लोग और यहाँ पे हमने सैंपल लाइन की ऑप्शन, ये सैंपल लाइन की ऑप्शन आप यहाँ से भी ले सकते हैं। और अगर आप में मेन्यू बार में यहाँ पे सेक्शन है क्रिएट सैंपल लाइन, ओके ओके, और यहाँ पे आपने अभी इसको पेस्ट कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये वेरिएबल हमारे जो भी थे ऑफसेट वो क्रिएट हो गए हैं। तो ये तो था कि हमारे पास अगर फाइल में डाटा मौजूद है तो हम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कुछ टारगेट है हमारे पास, तो हम सैंपल लाइन को उस पर टारगेट कैसे कर सकते हैं।
इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।